Today we will discuss nutrition management in nursing homes. जैसा कि आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ सेंचुरियंस ये दुनिया में इनका नंबर जो है बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसी हिसाब से जैसे जैसे एजिंग फिनोमेना आता है उसी के हिसाब से केयर का एलिमेंट जो है वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. डिफरेंट टाइप की रेजिडेंसीज जो है वो ग्लोबली अवेलेबल हैं, स्पेशली जहाँ पे एजिंग का फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट करता है लाइक यूएसए, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान. तो अब वहाँ पे न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज किया जाता है इस हवाले से हम यहाँ पे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फूड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में होगा क्योंकि फूड एक एसेंशियल कंपोनेंट है, फूड के बगैर सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है. इसके बाद हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करेंगे, उसके वाले से वहाँ पे क्या एफर्ट्स की जाती हैं और स्पेशली अगर कोई क्रॉनिक कंडीशंस वहाँ पे पेशेंट ऐसे हैं कि जो क्रॉनिक कंडीशंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया और हाइपरटेंशन, उस सिलसिले में वहाँ पे एमएनटी की सहूलत जो है वो किस लेवल पे अवेलेबल है. तो प्रोबेबली दो लेक्चर्स के अंदर ये कंपोनेंट कवर होगा. तो पार्ट वन जो है ना उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी. तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं. अभी तीन किस्म की रेजिडेंसीज जो है ना यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. नर्सिंग होम्स बेसिकली नर्सिंग होम इज अ प्लेस फॉर पीपल हु डोंट नीड टू बी इन अ हॉस्पिटल बट कैन नॉट बी केयर्ड फॉर एट होम. सो इट्स अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन इंडिपेंडेंट लिविंग एज वेल एज हॉस्पिटलाइजेशन. मोस्ट नर्सिंग होम्स हैव नर्सिंग असिस्टेंट्स and skilled nurses on hand 24 hours a day. Some nursing homes are set up like a hospital. The staff provides medical care as well as physical, speech and occupational therapies. The second category for old age persons is assisted living residents. An assisted living residence or assisted living facility is a housing facility for people with disabilities or for adults who cannot or who choose not to live independently. So, baz dafa zaruri nahi ki unko disabilities ho lekin wo comfortable feel nahi karte independent rehna aur fir wo after 55 years government ki taraf se option diya jata hai ki log jo hai wo residences ke liye apply kar sakte hain. Eligibility for admission is based on individual's care level requirements. Individuals entering assisted living facilities often need assistance with activities of daily living. Activities of daily living क्या हो सकती हैं भाई? इसमें personal care की बात की जाती है, इसमें hygiene की बात होगी, इसमें mobility, meal preparation और medication management. ठीक है, तो इस तरह की चंद यहाँ पे चीजें जो उनका जिक्र किया गया. तो असिस्टेंट लिविंग के अंदर डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स आएंगे. हो सकता है कि किसी को तीन से चार एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के अंदर इशू हो, कोई हो सकता है जिसको आठ से दस एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो उनमें हेल्प चाहिए हो और मिनिमम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग किसी जगह पे क्या हो सकती है कि बंदा जो है वो बात खुद नहीं कर सकता, उसको असिस्टेंट्स चाहिए. और मैक्सिमम जो असिस्टेंट्स चाहिए होती है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के अंदर वो है कि बंदा खा पी नहीं सकता, उसको फीडिंग के लिए भी असिस्टेंस चाहिए होती है. तीसरी कैटेगरी जो है वो ओल्ड एज होम, ये हमारे लिए भी यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है पाकिस्तान में भी, इनको रिटायरमेंट होम्स भी कहते हैं. समटाइम्स कॉल्ड एन ओल्ड पीपल्स होम आर ओल्ड एज होम ऑल्दो ओल्ड पीपल्स होम कैन ऑल्सो रेफर टू अ नर्सिंग होम is a multi-residence housing facility intended for the elderly persons. Typically, each person or couple in the home has an apartment-style room or suite of rooms. Rest homes generally provides room, boarding, housekeeping. यानी जो भी सफाई सुथराई आप किसी होटल में अगर स्टे करें तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है हाउसकीपिंग का. 24 hours day supervision and personal care assistance with activities of daily living such as personal hygiene, dressing, eating and walking. In addition, rest
homes store and distribute medications to their residents in the same manner as the nursing homes do. अब हम तीन तरह की रेजिडेंसेज जो उनको आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टली आते हैं नर्सिंग होम्स के ऊपर. इंडिविजुअल्स एज्ड 65 आर ओल्डर कंटिन्यू टू इंक्रीज इन वेस्टर्न सोसाइटीज और डेवलप्ड कंट्रीज. फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज ऑफ 3.1 मिलियन सिंस 1994 हैज बीन नोटिस्ड इन यूएसए इन 2004. अब तो इससे भी नंबर ज्यादा बढ़ चुका होगा. अभी 1994 में और 2004 के दरमियान जो है वो तकरीबन 3.1 मिलियन इंक्रीज देखा गया है उन लोगों की जो 65 या 65 से ज्यादा एज के हैं. इन द सेम एज ग्रुप ऑल्दो रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ अबाउट 1.56 मिलियन और यू कैन से 4.5% ऑफ द टोटल लिव्ड इन नर्सिंग होम्स इन 2000 and percentage increased strikingly with age. अच्छा, अब अगर शेयर देखा जाए residences different types की जो available हैं, तो nursing homes के अंदर around 4.5% लोग जो है वो exist करते हैं. Majority जो है वो ज़ार है independent जो retired homes हैं या old age homes हैं वहाँ पे रहती होगी, और उसके साथ साथ फिर assisted living में उनका stay होगा. तो नर्सिंग होम्स वो है जिसमें केयर की जरूरत जो है वो ज्यादा होगी. लेकिन अगर देखा जाए तो ये एज के साथ जो है इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती है, उस एज के अंदर जो लोग हैं उनका नंबर जो है वो नर्सिंग होम्स के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल 65 to 74 ईयर्स के लोग जो हैं 1.51% जो है ना वो प्रेफर करते हैं नर्सिंग होम्स में रहना, और 75 to 84 ईयर्स के अंदर जो लोग पाए जाते हैं उनका नंबर बढ़ के 4.7 तक चला जाता है. सिमिलरली 85 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उनका तकरीबन 1/5 जो है ना वो नर्सिंग होम्स के अंदर रहता है. तो इसमें मैसेज क्या है कि एज के साथ साथ जो है वो नर्सिंग होम के अंदर रहने वाले लोगों की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करती जाती है. अगर डेमोग्राफिकली देखा जाए तो वुमेन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पाई जाती हैं नर्सिंग होम्स के अंदर, और इनकी जो एवरेज एज निकलती है वो 83 इयर्स एंड मेन विद 80 इयर्स एंड आर 3 टाइम्स मोर इन नंबर देन मेन. तो नंबर एक तो वुमेन जो है नर्सिंग होम्स में जो रहती है उनकी एज 83 ईयर्स प्लस होगी एवरेज एज कम्पेयर टू मेन, और सेकंड ये है कि दे आर 3 टाइम्स मोर इन नंबर देन मेन, यानी उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है नर्सिंग होम्स की. अच्छा, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की अगर हम बात करें तो ये 26 डेज इन 1985 था. मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था अराउंड 1000 डेज जो है वो वहाँ पे लोग स्टे करते हैं, और अब जो है अगर 99 का अगर हम डाटा देखें तो वो 892 नज़र आता है. यानी पहले लोग ज़्यादा वहाँ अरसा तक वहाँ पे स्टे कर रहे थे, और अब कंपैरेटिवली उनका नंबर जो है वो डेज जो है ऑफ स्टे जो है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहे हैं. लेकिन स्टिल ये एक सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम बनता है भाई जो लोग वहाँ पे गुजारते हैं. 96% के करीब जो नर्सिंग होम्स हैं, नर्सिंग होम्स के जो पेशेंट्स हैं उनको असिस्टेंस चाहिए होती है फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नर्सिंग होम्स के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं ऑलमोस्ट उनको कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. एवरेज अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 4.4 बनती 1997 में भाई डाटा लिया गया तो पता चला कि तकरीबन 4.4% के करीब हर बंदे को जो है ना वो असिस्टेंस चाहिए होती है. यानी आप कह सकते हैं 4 या 5 एक्टिविटीज के अंदर हेल्प चाहिए होगी फ्रॉम दी स्टाफ. और स्पेशली अगर देखा जाए
जो फंक्शनली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका चलना फिरना जो है वो कंपेरेटिवली मुश्किल होता है, उनको इससे भी ज्यादा हेल्प की जो है वो जरूरत होगी। बाथिंग जो है वो देख सकते हैं आपके सबसे पहली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है जो बंदा लूज करता है, और ईटिंग जो है वो सबसे लास्ट एक्टिविटी ऑफ डेली है डेली लिविंग है जो कि इंडिविजुअल लूज करते हैं। 45% ऑफ नर्सिंग होम रेजिडेंट्स नीड हेल्प विद दिस ADL compared to 40% in 1985. अच्छा, अब ये जो 5% का हमें डिफरेंस नजर आता है, इसका मतलब वो कहता है कि हर किस ये नहीं है कि अब सहूलतें वहां पे इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये नंबर जो 40 से बढ़ के 45% हो गया है, और लोग जिनको असिस्टेंस चाहिए उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि स्टाफ is more aware today to recognize the need and intervene. वो कहता है कि अब एडवांसमेंट इतनी हुई है कि स्टाफ जो है ना वो अब छोटी छोटी चीजों को भी देखता है और जहां पे भी असिस्टेंस की जरूरत होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से नंबर जो है वो हमें कंपेरेटिवली हाई नजर आते हैं। माल न्यूट्रिशन, भाई नो डाउट वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाता है, वहाँ पे लोगों को सोशलाइज किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद 52-85% तक इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो माल न्यूट्रिशन देखी गई है जो कि काफी हाई नंबर है। इससे हमें मैसेज क्या मिलता है कि अब हमें मजीद जो है ना वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको विगोरसली देखना होगा और करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो अकॉर्डिंगली अप्लाई करना होंगे, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके वाले से क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, स्टाफ के वाले से क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, और फिजिशियंस जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो इस प्रोसेस के अंदर कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, वहाँ का जो नर्सिंग केयर स्टाफ है और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं और वहाँ का जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये मिलके काम करें तो ऑटोमेटिकली माल न्यूट्रिशन का जो इशू है उसको वहाँ पे लोअर किया जा सकता है। अब कौन सी तीन एरियाज हैं जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है? थ्री की एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी नर्सिंग होम के अंदर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के वाले से इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन, वी हैव टू सी द फूड सर्विस सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज अवेलेबल, लाइक वी कैन सी व्हाट इज द फूड क्वालिटी, हाउ सुपरविजन इज बीइंग डन, व्हाट आर द फूड सोर्सेज, व्हाट इज द फूड मेन्यू, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फूड, either the individuals are given snacks between regular meals and either the facility of paid feeding is available. तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फूड सर्विस सिस्टम के अंदर आएंगी, जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से डील की जा रही होंगी वहाँ का जो इंडिविजुअल्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो उतना ही बेहतर होगा। सेकेंड नंबर पर फिर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करेंगे, और लास्टली हम देखेंगे कि स्पेशली जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के साथ लोग एग्जिस्ट करते हैं कंटिन्यूसली, जिनको मेडिकेशन की जरूरत होती है, उसके बारे में वहां पे न्यूट्रिशन के हवाले से क्या काम किया जा सकते हैं। फूड सर्विस मैनेजमेंट के हवाले से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये बेसिकली वहां के जो स्टडीज हैं जो रिव्यूज हैं उनसे हमें आइडिया मिलता है कि वहां की मील सर्विस कैसी है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है। इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए यूएसए के अंदर फेडरल गाइडलाइंस पाई जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में भाई वफाकी हुकूमत है और फिर सूबाई हुकूमत है, तो वहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट भी है और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। तो अबव ऑल जो सबसे ऊपर जो कह लें कि सुपीरियर अदारा है ना वो फेडरल गाइडलाइंस हैं, और उनके अंदर बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये फूड सर्विस प्रोग्राम नर्सिंग होम्स के अंदर कैसा होगा। इसके बाद एक्सप्लेनेटरी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस जो हैं ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं, स्टेट्स ने उनको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है और जहाँ पे उन्होंने ज़रूरत फील की है उनको मज़ीद उन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है, तो
वो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए डिफर करती होंगी. नर्सिंग होम फैसिलिटीज मस्ट प्रोवाइड फूड सर्विस मीटिंग दीज गाइडलाइंस, और ये उनके लिए ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि उन्होंने वहां पे जो खाना प्रोवाइड करना है वो कम से कम इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो. अब होता क्या है कि वहां पे मैंने पहले भी आपसे बात की है कि कुछ परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पे करती है एज अ रीइंबर्समेंट, जो कि इंडिविजुअल्स ने अपनी लाइफ के अंदर सोशल सिक्योरिटी के नाम पे टैक्सेस दिए होते हैं, तो उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं. तो अब फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट के लिए जो है एक फार्मूला जो है वो डिवाइस किया जाता है, यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कितनी होगी इंडिविजुअल्स की पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो कितनी कॉस्ट जो है वो आती होगी. तो इस हिसाब से अगर एक फैसिलिटी के अंदर 100 लोग रहते हैं उस फार्मूला के थ्रू 100 लोगों के हिसाब से उनको कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है हाउसिंग फैसिलिटी को. लेकिन आगे क्या खर्चा कैसे करना है, उस टोटल बजट को कहाँ कहाँ पे लगाना है, जैसे नर्सिंग के लिए, हाउसकीपिंग, सप्लाईज एंड डाइट्री कंपोनेंट, इन सब के लिए जो है ना वो फिर वो इंडिपेंडेंट है. जो नर्सिंग हाउस फैसिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है कि वो किस हेड में कितने पैसे जो है वो एलोकेट करती है. तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी मोस्टली जस्ट लाइक होटलिंग इंडस्ट्री जो है ना ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इमर्ज हो चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द नर्सिंग होम्स आर ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट. एनी इंक्रीज इन कॉस्ट दैट एक्सीड्स द इंक्रीज इन रीइंबर्समेंट यूजुअली मस्ट बी ऑफसेट बाय रिडक्शंस इन अदर एक्सपेंसेस सच एज फूड बजट. तो कहता है कि अगर वक्त के साथ साथ पीरियोडिकली फील किया जाता है कि कास्ट जो है वो ज्यादा आ रही है और गवर्नमेंट इतना रीएम्बर्स नहीं कर रही, तो जो एडजस्टमेंट करनी है ना डिफरेंट हेड्स के दरमियान वो इस तरीके से करनी चाहिए कि फूड बजट जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो. पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो खुदा न खास्ता यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई इशू आता है तो हमारी जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो फूड को अफेक्ट करते हैं. यानी अगर कोई बंदा बीमार हो गया और उनकी पर कैपिटा के हिसाब से इनकम जो है वो बड़ी लोअर लेवल पे है तो फिर वो फूड को सेक्रीफाइस करेंगे. हो सकता है पहले हफ्ते में वो दो बार गोश्त खाते थे तो वो एक बार पे आ जाएं, या वो डेली फ्रूट्स खाते थे तो फिर वो फ्रूट को स्किप कर दें किसी दिन ताकि अपने वो एक्सपेंडिचर्स को जो है ना वो कवर अप कर सकें. इनएडिक्वेट फूड बजट मे रिजल्ट इन फूड ऑफ लेसर क्वालिटी एंड पोटेंशियली मार्जिनल न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी. अगर बजट पूरा नहीं होगा तो वो ना सिर्फ फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा बल्कि उसकी जो न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी है ना, जो RDA के हिसाब से वहाँ पे मील तैयार होना चाहिए, वो भी अफेक्ट होगा. माल न्यूट्रिशन जो कि 85% तक भाई हमने देखा है 50-85% तक नर्सिंग होम्स में एग्जिस्ट करती है, तो ये स्पेशली किन लोगों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, जिनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, जिनको पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, इन्फेक्शन, अनिमिया, इस तरह के जो इश्यूज लोगों में पाए जाते हैं उसकी वजह से उसी हिसाब से जो माल न्यूट्रिशन है वो उनके अंदर हाई लेवल पे एग्जिस्ट करती है. फेडरल गाइडलाइंस का मकसद क्या है कि वो इंश्योर करें कि लोगों को वहाँ पे नॉरिशिंग, पैलेटेबल और वेल बैलेंस्ड मील जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी जो डेली न्यूट्रिशनल और स्पेशल डाइटरी नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके. मीन्स के चेक एंड बैलेंस वो जितना बेहतर होगा उसी हिसाब से सिचुएशन जो है उसको बेहतर रखा जा सकता है. अब मील के हवाले से वहाँ पे क्वालिफाइड डाइटिशियन जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगेन क्वालिफाइड डाइटिशियन जो है वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं. तो कुछ नर्सिंग होम्स क्या करते हैं कि वो फुल टाइम डाइटिशियन नहीं रखते बल्कि एक फूड सर्विस डायरेक्टर ले लेते हैं जो कि कंपेरेटिवली, यानी उसका न्यूट्रिशन का नॉलेज थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन डिग्री वाइज जो है ना वो एग्जैक्ट डाइटिशियन नहीं होगा,
और वो इन कंसल्टेशन विद या अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड डाइटिशियन जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और रेजिडेंट्स के लिए जो जो अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन है उसको इंश्योर करते हैं। तो अगर हम सिंपली कहें कि जहाँ पे वो नर्सिंग होम जहाँ उन्होंने खुद एक क्वालिफाइड डाइटिशियन इंडक्ट किया हुआ है वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा उस नर्सिंग होम की निस्बत कि जो उसको आउटसोर्स करते हैं, जो उसको डिमांड के हिसाब से एज अ कंसल्टेंट लेते हैं। डाइटिशियन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट सपोर्ट स्टाफ टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द डाइटरी सर्विस। फूड इन नर्सिंग होम्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर्सेज अप्रूव्ड आर कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी बाय फेडरल स्टेट और लोकल अथॉरिटी। तो मैं फूड की क्वालिटी के वाले से बात कर रहा हूँ। मैसेज क्या है कि फूड जब खरीद के लानी है तो ऐसे स्टोर से ऐसी मंडियों से लेके आनी है कि जो अप्रूव्ड है, ठीक है, जहाँ पे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम फूड की प्रेपरेशन की बात करें तो उसकी प्रेपरेशन इस तरीके से करनी है कि वो मिनिमम टू मिनिमम जो है ना उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स के लॉसेस हों, ठीक है। तो वहां पे उसकी स्टोरेज प्रेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विंग ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको इस फॉर्म में करना है कि उसकी न्यूट्रिशनल वर्थ जो है ना वो मेंटेन रह सके। अब फूड मेन्यू की बात करें तो उसमें फूड्स को या फूड ग्रुप्स को इस तरीके से ऐड करना है कि इंडिविजुअल्स की आरडीए उसको मीट किया जा सके, ठीक है। और आरडीए किसने दी हुई है, बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ नेशनल रिसर्च काउंसिल नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो जो मेन्यू वहां पे तैयार किए जाएं वो आरडीए की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। अगेन फूड सर्व टू ईच रेजिडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मेथड्स दैट कंजर्व न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्लेवर एंड अपीयरेंस ऑफ द फूड। इट शुड बी पैलेटेबल अट्रैक्टिव एंड एट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट्स। तो ये बड़ा एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जिसके हिसाब से फूड जब वहाँ पे तैयार की जाएगी स्टोर की जाएगी ऑफर की जाएगी। और इन केस एक इंडिविजुअल जो है वो उस मील को खाने से इनकार कर देता है, रेजिडेंट्स रिफ्यूज सच फूड सर्व्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड। तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट उसको जैसे एक्सचेंज लिस्ट हम पढ़ते हैं ना उसके हिसाब से उसको सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर फॉल करनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने नॉर्मल फूड तैयार की हुई थी। थ्रेप्यूटिक डाइट्स भी बाज दफ़ा भी जरूरत पड़ती है इनकी और उनको अकॉर्डिंगली जो है ना वो हेल्थ इशूज के हिसाब से तैयार करना होगा। नंबर ऑफ मील्स कितने होंगे, 3, और उनका एक टाइम जो है वो फॉलो किया जाएगा। और स्पेशली 2 मील के दरमियान जो है वो 14 आवर से ज्यादा का वक्फा नहीं आना चाहिए। मतलब रात को बंदा खाना खा के सोया है और सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले 14 घंटे से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं गुजरना चाहिए और इन एक्सट्रीम केसेस ये 16 घंटे तक जा सकता है लेकिन 16 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये भी उन्होंने इंश्योर किया है कि मील की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मील की टाइमिंग जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्नैक्स उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं स्पेशली एट बेड टाइम ऑन डेली बेसिस। स्पेशल ईटिंग इक्विपमेंट्स की बात की गई है, मतलब अगर एक बंदा जो है वो नॉर्मल तरीके से जो जैसे हम स्पून यूज करते हैं प्लेट्स हम यूज करते हैं या ग्लास यूज करते हैं हाइड्रेशन के लिए, अगर वो बंदा उसकी बॉडी जो है वो उसको साथ नहीं दे रही और इन चीज़ों के ऊपर उसकी ग्रिप नहीं है तो फिर उस हिसाब से स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। ये मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एग्जाम्पल्स में। इसके अलावा अगर एक बंदा जो है उसको स्पेशल केयर चाहिए, उसको फीडिंग के अंदर जो है ना वो असिस्टेंट्स चाहिए तो इसके लिए पेड फीडिंग असिस्टेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। अगेन अगर एक फैसिलिटी जो है वो पेड असिस्टेंट फीडिंग असिस्टेंट्स प्रोवाइड करती है तो इट मीन्स कि वो चार्ज ज्यादा करेगी। और दूसरा इसका हल क्या हो सकता है,
या जो अदर स्टाफ है वहाँ पे उससे भी हेल्प ली जा सकती है कि कम से कम खाने के वक्त जो है ना वो भी लोगों को हेल्प आउट करें। पेड फीडिंग असिस्टेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड अ स्टेट अप्रूव्ड ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, वहाँ पे इसके लिए स्पेशल कोर्सेज हैं वो डिजाइन किए गए हैं, और वो एक रजिस्टर्ड नर्स या एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स के जो है वो अंडर काम कर रहे होते हैं। रेजिडेंट्स सिलेक्शन फॉर पेड असिस्टेंट्स टू फीड मस्ट बी बेस्ड ऑन चार्ज नर्स असेसमेंट, यानी ये नर्स जो है वहाँ की वो अपनी असेसमेंट से डिसाइड करेगी कि किसको पेड असिस्टेंट की फैसिलिटी चाहिए। और दूसरे नंबर पे रेजिडेंट्स लेटेस्ट असेसमेंट एंड प्लान फॉर केयर, और दूसरे नंबर पे रेजिडेंट्स की न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके डिसाइड किया जाएगा कि ये इंडिविजुअल अगर खुद जो है वो फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो उसको असिस्टेंट्स चाहिए। ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले केस में और इस वाले केस में आप देखते हैं कि एक स्पेशल अरेंजमेंट की गई है ताकि स्पून्स अगर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स की वजह से इंडिविजुअल उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रहा तो फिर ये डिफरेंट सेटअप्स के साथ, ये आप देखें फोक्स और स्पून जो है फोक्स एंड नाइफ के हवाले से, इनको हम बोलते हैं अडेप्टेटिव फीडिंग इक्विपमेंट्स। अडेप्टेटिव फीडिंग इक्विपमेंट्स ये पूरी रेंज पाई जाती है, ये आप देखें यहाँ पर। तो ग्रिप को बेहतर करने के लिए, ग्रिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स जो हैं वो नर्सिंग होम्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। इस वाले केस में भी हम देख सकते हैं भी यहाँ पे भी आपको इवन जो ब्रश वहाँ पे यूज किए जाते हैं वहाँ के जो डोर्स उनकी नॉब्स जो हैं वो भी आपको कंपैरेटिवली जो हैं वो डिफरेंट नजर आएंगी। तो बिल्ड हैंडलर्स जिनके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें की गई हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि ये हैंडल्स मिल जाते हैं और उनके अंदर आप स्पून या फोर्क या इस तरह की चीज़ें, इवन ये ब्रश आप देख रहे हैं, इनको इंसर्ट किया जा सकता है। अगर कोई वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइज का कोई एलिमेंट वहाँ पे किया जाता है तो उसके अंदर भी आपको ग्रिप जो है वो बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। वेटेड हैंडलर्स आपको मिल जाते हैं, कर्व्ड हैंडलर्स डोर्स के लिए, ये प्लेट्स के लिए देखें उसके इर्द गिर्द जो है वो स्पेशल एक गार्ड या प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि मील जो है वो बाहर ना गिरे। अच्छा, कुछ प्लेट्स इस तरह की बनी हो सकती हैं और कुछ के लिए ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ये इसको डिटैच किया जा सकता है और जरूरत के वक्त इसको अटैच करके इंडिविजुअल अपना खाना खाएगा और इसके बाद फिर इसको रिमूव करके वॉश किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो इक्विपमेंट्स के वाले से मॉडिफिकेशंस हैं वो मैंने आपको शो ऑफ की हैं जो कि नर्सिंग होम्स के अंदर रेजिडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा फूड सर्विस में अभी तक तो हमने बात की है ना कि फूड की क्वालिटी क्या होगी, फूड की प्रेजेंटेशन जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल आस्पेक्ट्स, डाइनिंग स्टाइल स्टैंडर्ड्स, एथनो न्यूट्रिशन, सोशल आस्पेक्ट्स एंड इंडिविजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि फूड सर्विस के ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, कि नर्सिंग होम्स के अंदर जो फूड सर्व की जाती है उसके डिफरेंट सेक्शंस क्या हो सकते हैं, इनको भी हम वन बाई वन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। 91% के करीब जो है ना वो नर्सिंग होम्स ऐसे देखे गए हैं एक सर्वे के अंदर कि जहाँ पे नर्सिंग की फैसिलिटी जो है ना वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाती, यानी मील टाइम के वक्त जैसे हमने पेड असिस्टेंट की बात की है इस तरह के लोग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। और इसकी एक और स्टडी जो है ना वो बता रही है कि अगर इस तरह की फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड ना की जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो भी माल न्यूट्रिशन की शक्ल में अपीयर होते हैं। वेट लॉस वाज मोर विद लेस स्टाफिंग, यानी जिन नर्सिंग होम्स में स्टाफ कम था वहां पे वेट लॉस जो है वो इंडिविजुअल्स का ज्यादा हुआ, एंड विद लेस वर्क आवर्स ऑफ द रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, आर LPN कंबाइंड, ठीक है। अब जहाँ पे ये फूड के खाने के लिए असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने वाला स्टाफ अवेलेबल है
वहां पे जो रेजिडेंट्स है उनका वेट बेहतर था एज कंपेयर टू जहां पे इनएडिक्वेट स्टाफ जो है वो एग्जिस्ट करता था. अब कहने को तो एक बड़ा ये छोटा सा एस्पेक्ट लगता है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स जो है ना वो एक बंदे को खाना खिलाने में वहां पे लगते हैं टू एंश्योर दी एडिक्वेट ओरल इनटेक. अब आप इमेजिन करें कि एक रेजिडेंट्स में अगर 100 के करीब लोग रह रहे हैं तो ये कितना एक कह लें कि कितने वर्किंग आवर्स जो है ना वहां पे चाहिए होंगे इन लोगों को डील करने के लिए. तो सजेशंस क्या हैं कि रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो नर्सिंग होम्स के अंदर बेहतर करनी चाहिए. रीएम्बर्समेंट का जो फिनोमेना है ना उसको भी बेहतर करना चाहिए ताकि जो डेली ओरल फूड और फ्लूड इनटेक है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके. और स्पेशली जो फीडिंग असिस्टेंट्स हैं मील टाइम पे उनको वहां पे होना चाहिए. ऐसा करने से जो माल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं वहां पे उनको कम किया जा सकता है. विद स्ट्रेटेजीज लाइक स्नैक्स बिटवीन मील्स भाई इसके लिए ये भी लेबर इंटेंसिव है भाई. आपको स्पेशली जो है ना वो लेबर रखनी पड़ेगी इस काम के लिए कि जो दो या तीन खानों के दरमियान जो है ना वो स्नैक्स भी लोगों को प्रोवाइड करे. वॉलंटियर्स आर सोशल एक्टिविटी पर्सनल कैन अज्यूम दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कहते हैं कि इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की बेस पे कुछ लोग वहां पे जाके अपने आप को वॉलंटियरली पेश कर सकते हैं कि जो सिर्फ नर्सिंग होम में इसलिए इस पर्पज के लिए आया करेंगे कि खाना खिला के वो वापस चले जाया करेंगे. तो वॉलंटियर का मतलब क्या है कि वहां पे जो बजट है ना उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े. एंड रिलीव द अदर स्टाफ नॉट ओनली एट मील टाइम बट द एंटायरिटी. तो इसके अलावा अगर वॉलंटियर्स वहां पे आते हैं सोसाइटी जो है वो अपना रोल प्ले करती है वहां का जो स्टाफ है उसको कदरे रिलीव किया जा सकता है ताकि वो बाकी वहां के जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सके. स्नैक्स की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसके नतीजे में देखा गया है कि वहां पे वेट जो है वो मेंटेन रहता है. इसके साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं इसके बारे में भी वहाँ पे दो रिजर्वेशंस हैं. एक तरीका क्या है कि खाना खिलाया और उसके साथ जो है ना वो सप्लीमेंट्स दे दिए और दूसरा तरीका क्या है कि सप्लीमेंट्स और मील के दरमियान जो है वो एक ड्यूरेशन जो है वो ऐड किया जाता है. तो दोनों के हमें प्लस माइनस जो है ना वो नज़र आते हैं. तो फैमिली मेंबर्स जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि जो सप्लीमेंट्स हैं या जो मेडिसन्स हैं दे मस्ट बी ट्राइड फर्स्ट टू इम्प्रूव द फूड इनटेक एंड देन दे परसीव द नीड फॉर सच इंटरवेंशंस अपॉन ऑब्जर्वेशन दैट देयर रेजिडेंस इनटेक इज ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ दैट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मील टाइम. तो ये भी हो सकता है कि मील टाइम के दरमियान जब उनको मेडिकेशन दी जाती है तो वो उसको डिसलाइक करते हैं और उनका फिर आगे जो खाना खाने का जो है ना वो दिल नहीं करता. तो इसलिए जो फैमिली मेंबर्स हैं ना उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो वो कहते हैं कि भाई रेजिडेंट्स को सप्लीमेंट्स या मेडिसन्स मील से पहले प्रोवाइड की जाए. तो अब जब हम ये चीज़ें लहदा लहदा कर रहे हैं ना तो इसका मतलब क्या है इसके लिए भी हमें स्टाफ चाहिए होगा. तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिपेंड कर रही होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसकी कास्ट के ऊपर. अब फूड सर्विस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमें एक टूल जो है वो इस वक्त अवेलेबल है जिसको फूड एक्स LTC बोलते हैं भाई. दिस इज बेसिकली अ फूड एंड फूड सर्विस क्वेश्चनियर विच इज एन एफर्ट टू क्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्यूरेटली असेस रेजिडेंट्स सेटिस्फेक्शन विद द फूड एंड फूड सर्विस. ये फूड की क्वालिटी कैसी है और वहाँ की फूड सर्विस कैसी है. तो आप जितनी भी रेजिडेंसेज हैं उनको इस टूल के थ्रू असेस करके उनकी रैंकिंग जो है वो कर सकते हैं. मील टाइम जो है भाई उसको प्लेयरेबल
होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, सोशल एक्सपीरियंसेस की बेस पे होना चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट्स अगर होंगे तो अल्टीमेटली दे विल इंक्रीज द एपिटाइट एंड फूड इनटेक ऑफ द रेजिडेंट्स। अब यहाँ पे कुछ आइडियल चीजें डिस्कस की गई हैं, जैसे वेल डेकोरेशन, यानी डाइनिंग रूम्स वॉल वेल लिट, रोशनी वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, डाइनिंग रूम्स के अंदर स्पेशियस होने चाहिए, रेस्टोरेंट स्टाइल डाइनिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, वेल वॉल म्यूरल्स, म्यूरल्स क्या होती हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो है वो अगर उस हाल में लटकी होंगी, सूदिंग म्यूजिक, एरोमाथेरेपी, बेटर फूड प्रेजेंटेशन, फ्लेवर इन्हांसर्स, कलरफुल फूड, फूड कार्ट, बफे स्टाइल फूड चॉइसेस एंड प्रोविजन ऑफ फैमिली मेंबर्स टू ज्वाइन इन द मील टाइम। ये भाई जितनी भी अप्रोचेस मैंने यहाँ पे बताई हैं, इन सब को अप्लाई करके रेजिडेंट्स का जो फूड इनटेक है उसको बेहतर किया जा सकता है। ये डिटेल में आप भाई इसको पढ़ लीजिएगा, इस टूल के बारे में ये पेपर अवेलेबल है। एथनिसिटी भी भाई अब वक्त के साथ साथ देखा जाए तो वहां पे बढ़ती जा रही है, स्पेशली वो सोसाइटीज जहाँ पे बहुत टाइप्स के लोग जो है वो रहते हैं, तो रेशियल और एथनिक प्रेफरेंसेस जो है ना उनको भी ज़हन में रखना होगा। एथनो न्यूट्रिशन भाई इसके ऊपर भी वक्त के साथ साथ जो है वो इसकी भी जरूरत बढ़ती जा रही है। एथनो न्यूट्रिशन इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइटरी हैबिट्स ऑफ ह्यूमन रेसेस एंड कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। सो वी कैन से डेट फूड अफेक्ट्स यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाई आवर इंसेस्ट्री, यानी फूड की च्वाइसेस हमारी कौन सी हैं, हम कैसे खाते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी इंसेस्ट्री के ऊपर। तो अगर एक रेजिडेंट्स के अंदर मल्टी कल्चरल किस्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पे फिर मील जो है वो सर्व करते वक्त इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। और अगर रिलीजियस आस्पेक्ट को ले आए तो फिर हमें हलाल और कोशर फूड्स हैं उनके बारे में भी चीज़ें जो है वो जहन में रखना होगी। अब मॉडिफाइड फूड पायरामिड फॉर 70+ अडल्ट्स ये डिज़ाइन की गई है, जो कि मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन पहले शेयर की है। इट इज़ बेस्ड ऑन 2015 to 2020 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स, और इसमें जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो तकरीबन वही हैं कि प्लेंटी ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, डाइट हाई इन ग्रेन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इनटेक होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट का इनटेक कम होना चाहिए, लो टू मॉडरेट यूज ऑफ शुगर सॉल्ट एंड अल्कोहल, और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इसका एक डेली कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये पायरामिड भी मैं आपको साथ शो कर रहा हूँ, तो इसकी बेस पे अगर आप देखें तो आपको नंबर ऑफ सर्विंग्स वाटर की नजर आएंगी, और टॉप पे अगर आप देखें तो इसमें फ्लैग जो है वो इस चीज का एक रिमाइंडर है कि सप्लीमेंट्स विटामिन्स मिनरल्स इनकी जरूरत जो है वो ओल्ड एज में बढ़ जाती है।